और अब ये ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, हमें बाज़ अंदाज़ा नहीं होता कि हम कोई छोटी सी अच्छाई कर जाते हैं। और जिस तरह साइंसदान भी कहते हैं कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इसी तरह अच्छाई भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो इट कम्स बैक टू यू लेटर इन लाइफ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि अरे मैं यहाँ से जा रहा था और अचानक मेरे साथ कोई किसी ने अचानक आके कोई अच्छाई ऐसी कर दी या कुछ ऐसा हो गया, अचानक मुझे कोई रास्ता नज़र आ गया, अचानक कोई ऐसी बात, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके पिछले किसी अमल का नतीजा होता है जो आपकी ज़िंदगी में कोई आगे राह खोलता है। सो दिस एनर्जी एंड दिस पॉजिटिविटी नेवर एंड्स एंड दिस कम्स बैक टू यू लेटर एनीवेयर इन लाइफ सरप्राइजिंगली। सो यू नो जी बिल्कुल, आई टोटली अग्री। और ये बिल्कुल एक यिंग यंग वाली स्टोरी है। और मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मिलकर काम कर रही हूँ। और वो लोग जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए और वो सड़कों पर सो रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, तो ऐसे लोगों के लिए मैं इन फाउंडेशंस के साथ काम कर रही हूँ। उसके अलावा वो बच्चे भी जो कि छोटी उम्रों में काम पर लग जाते हैं, तो मिलकर इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं उन बच्चों के लिए भी काम कर रही हूँ। और इसके अलावा जो मदर्स हैं जिनको कैंसर है, तो उनके लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। और इसके अलावा 3-4 डिफरेंट फाउंडेशंस हैं जिनके साथ मिलकर काम कर रही हूँ। और यही वजह है कि जो हमारे सेक्टर है, तो उसमें हम इसी वजह से मैं काम कर रही होती हूँ ताकि जो कैरेक्टर्स मैं कर रही होती हूँ तो उनसे मैं बहुत सीखती हूँ लोगों के लिए मदद करना, कुछ ना कुछ ऐसे काम करना। क्योंकि आपको जो कुछ भी मिल रहा होता है वो किसी ना किसी के वसीले से मिल रहा होता है, और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसी और की मदद नहीं बल्कि अपनी खुद की मदद कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस दुनिया को अच्छाई की, इखलाक की, क्योंकि ये हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो कुछ है वो दिया हुआ ही है, ऊपर से दिया हुआ है, तो हम दिए हुए में से अगर किसी को देते हैं तो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। इसलिए कि आपकी अपनी क्या चीज़ है ना, ये चेहरा आपका अपना है, ये एक लम्हे में यूँ ख़त्म हो जाता है, ये पैसा चला जाता है, सेहत चली जाती है, अगले लम्हे का पता नहीं होता कि आज हम बैठे में कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कमर में ज़रा सी कोई स्पाइन का प्रॉब्लम होता बिल्कुल है क्या? जैसे कि आप अपने पीछे अगर देखें आपको तोप काफी महल नज़र आ रहा है, तो पहले यहाँ सुल्तान सुलेमान रहा करते थे लेकिन आज वो कहाँ गया? हैं और हम यहाँ बैठे हैं। कहाँ गया वो सब कुछ? ये सब कुछ आपको छोड़ के चला जाना होता है। तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली, ये आप अपने लिए अल्लाह के साथ करते हैं। ये आप जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इसका आप बेसिकली बहुत फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट है। ये जो दुनियावी इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, ये तो आज ख़त्म हो जाएगी। आपने कितना पैसा साथ अपने कमा के आपने चले, साथ तो कुछ भी लेके नहीं जाना, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये अमाल होते हैं आपके बेसिकली, ये जो छोटे छोटे आप करते हैं, और यही रह जाना है असल में। सो आई एम सो इम्प्रेस्ड सीरियसली ऑफ व्हाटएवर यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच इमरान। मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहूँगी, और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप कभी अपने अंदर यू नो या अपनी लाइफ में कोई फिज़िकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई फेस करें, और मैं ये मिसाल या ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी ये मसाइल काफ़ी फ़ेस किए हैं। और ऐसा वक्त था कि जब मेरे ऊपर फिज़िकल फाइनेंशियल दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई थी मैं। और बस यही रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी मिसाल है या जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो वो लोगों को पता हो कि जब आप एक फाइनेंशियल या फिज़िकल प्रॉब्लम्स में होते हैं, उस वक्त जब आप सदका खैरात करते हैं या आप किसी को हेल्प करते हैं इमोशनली या फिज़िकली, तो आपको भी इससे बहुत फ़ायदा होता है और अल्लाह ताला आपको उस प्रॉब्लम से निकालता है और बहुत कुछ नवाजता है। इसीलिए कहूँगी कि आप जिस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं उस तरह से करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और इस तरह आप यंग भी रहते हैं, आपको एस्थेटिक्स या बूटॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ ये है कि सदका खैरात करना जो है वो आपको यंग रखता है, खुश रखता है। लेकिन सदका और सदका सिर्फ यशम सिर्फ सदका मुझे लगता है कि सिर्फ पैसे से नहीं आप देते, एक मुस्कुराहट भी सदका होता है, एक छोटा सा जैसे हर चीज़, मतलब आप जो भी किसी की ज़िंदगी में खुशी लेकर आए वो सदका है, और वो कुछ भी हो सकता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी की हदीस है कि मुस्कुराहट सबसे बड़ा सदका है, तो मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से कि आपके आपका बुरा रवैया या आपके चेहरे का एक ज़रा सा
उतार चढ़ाव जो होता है या आपके चेहरे पे हल्की सी एक फ्राउन जो होती है वो बाज़ दफ़ा किसी के दिल को किस तरह तोड़ देती है आपको अंदाज़ा नहीं होता। और दिल को तोड़ना मेरा ख्याल है इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है, किसी के दिल से खेलना या किसी के जज्बात से खेलना। तो एक मुस्कुराहट अगर किसी राह चलते कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और वो आप उसकी उसका दिन बदल दे, उसके चेहरे पे खुशी लेकर आ जाए या उसकी उसकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आ जाए, तो इससे बड़ी और क्या बात होती है। तो कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम जी बिल्कुल, लेकिन गलत जगह पे ना मुस्कुराएं। सॉरी इमरान, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और उस पर मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अभी रमज़ान के हवाले से हमने कुरान शरीफ की तफसीर का काम शुरू किया है, तो उसी मेरे यूट्यूब चैनल पे ही एक सूरतुल फतह की तफसीर है और वहाँ पे मैंने एक बात पढ़ी और उससे मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हुई। और जब अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती हूँ तो मैं इस सूरह को ज़रूर पढ़ती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की, अपना काम करने की और इस प्रॉब्लम से निकलने की। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जो कि आप पढ़ें अगर तो आपको बहुत मोटिवेशन उनसे हासिल होगी, इसलिए ये सूरह मैं यहाँ पे शेयर भी करना चाहती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। तो वो ये थी कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें फतह दूसरों के मुल्क फतह करने में मिलेगी या तुम्हें पैसे या शोहरत से फतह मिलेगी, तो ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। दरअसल असली फतह जो है वो लोगों के दिलों की फतह है और अपने नफ्स की फतह है। और जब मैंने ये सूरह फतह पढ़ी तो मेरे ज़िंदगी पे इसका बहुत अलग फतह मक्का पड़ा। इस बात की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मक्का जब फतह किया गया था तो एक कतरा खून का नहीं बहा, और मक्का की जो की रियासत थी वो किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की, तो हमारी तारीख का इतना बड़ा खूबसूरत चैप्टर है। यशम, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जिंदगी में, आगे क्या करना है? चैरिटी ही करनी है? मेरे फ्यूचर प्लान में आपसे शादी करना, पाकिस्तान में शिफ्ट होना और दो प्यारे बच्चे। जनाब अभी तो सीरियल शुरू हुआ है और अभी आप देखिए कि आपको पाकिस्तान से कैसे कैसे अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आते हैं, बस अब आप तैयार हो जाओ पाकिस्तान में। मुझे आपका प्रपोजल चाहिए। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, यू कैन नॉट इमेजिन, एंड दिस प्रोजेक्ट हैज जस्ट बीन स्टार्टेड इन पाकिस्तान एंड यू आर जस्ट यू नो जस्ट पैक योर बैग्स ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमारी ब्रदर कंट्री है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो स्कूल्स में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है तो वहाँ पे जीवे जीवे पाकिस्तान भी गाया जाता है। सिर्फ स्कूल्स में नहीं, हर जगह ही वैसे गाया जाता है और मुझे भी बहुत पसंद है जीवे जीवे पाकिस्तान। और आगे जो मेरे प्लान्स हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, वो ये हैं कि मैं एज ए डायरेक्टर जो है वो कुछ ड्रामे करना चाहती हूँ, उनको डायरेक्ट करना चाहती हूँ। और अभी जो हमारा ड्रामा चल रहा है कुरुलस उस्मान, उसके जो प्रोड्यूसर हैं मेहमत बोजदा, उनकी वाइफ ज़ैनब बोजदा से मेरी आजकल डिस्कशन चल रही है इसी सिलसिले के लिए। और वैसे मुझे तकरीबन 25 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं कि मैं एक्टिंग लोगों को सिखा रही हूँ, उसके लेसन्स दे रही हूँ, और मैं इसी तरह इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ और एज अ डायरेक्टर इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ। और मैं कोई ऐसा भी करेक्टर करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने अमेरिका वगैरह में देखा होगा कि वंडर वुमन या सुपर वुमन जैसे करेक्टर हैं, तो हमारे भी ड्रामों में जैसे अर्तुरुल गाजी है और कुरुलस उस्मान है, तो इस तरह के जो करेक्टर्स हैं पावरफुल हैं, उस तरह औरतों का कोई ऐसा करेक्टर हो जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशनल हो, या फिर वो उससे कोई सबक हासिल करें अपनी ज़िंदगी में, तो कोई ऐसा करेक्टर करना चाहती हूँ। और इसके लिए कोई भी मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टीवी है, सिनेमा है, यूट्यूब है। ख़ास तौर से आजकल यूट्यूब, जब बच्चों के हाथों में फ़ोन्स दे दिए जाते हैं कि वो यूट्यूब इस्तेमाल करें, तो ये जो ऐसी वीडियोस हैं वो बहुत काम आ सकती हैं। तो मैं इस तरह के करेक्टर में अपने आप को देखना चाहती हूँ और डायरेक्ट करना चाहती हूँ। हॉलीवुड ने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है अपनी अपने हीरोज को हीरोज बनाने में, और हमारे पास तो हमारे इतने हमारी तारीख में इतने बड़े बड़े हीरोज़ हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं और जिनमें मर्द भी हैं। जिस तरह अर्तुगरुल गाजी का हमारे सामने मिसाल है कि जब ये हमारे सामने रखा गया तो
किस तरह इसकी एक्सेप्टेंस हुई है, क्योंकि लोग कनेक्ट कर सकते थे, और जब बात मज़हब की आती है और दीन की आती है तो फिर हमारे दिल से वो कनेक्शन निकलता है। और ये इतनी अच्छी थॉट है कि अब टर्किश गवर्नमेंट भी इसमें पार्ट प्ले कर रही है, अब मैंने सुना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इसको सीरियस ले रही है, एंड देयर इज़ अ कोलैबोरेशन व्हिच इज़ हैपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की इन व्हिच दे आर actually trying to introduce all those heroes from Pakistan and Turkey who played a very important part in the war of independence. So ye bahut bahut aham baat hai aur mera khayal hai ki aisa hona chahiye, isko bahut pehle ho jana chahiye tha, lekin jab bhi ye hota hai der ayat durust ayat. Koi paigham apne Pakistan ke fans ko dena chahengi aap? Ek to pahunch gaya hai, ek to between the lines aapne paigham pahuncha hi diya, there is a message which you have already given between the lines. So अपनी प्यारी ब्रदरहुड कंट्री के लिए बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और मैं अपने फैंस को यही पैगाम दूंगी कि हम इसी तरह के ड्रामों से आपके साथ आपके दरमियान रहेंगे, और आप सबके प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑनेस्टली आई डिडंट वांट दिस इंटरव्यू टू एंड अप हियर, बट वी हैव दिस टाइम कंस्ट्रेंट, हमारे पास वक्त बहुत शुक्रिया है, थोड़ी सी वक्त की कमी है, अदरवाइज दिस इंटरव्यू कुड हैव बीन गोइंग फॉरएवर। बहुत शुक्रिया, सो वी विल डेफिनेटली बी कनेक्टिंग लेटर एज वेल। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाएं। आप देखना मत भूलिएगा इनका नया सीरियल जो शुरू हो रहा है, जो कि कुल्लुस उस्मान है, अर्तुरुल गाजी का जो सीक्वल है, एंड शी इज प्लेइंग वन ऑफ द लीड्स इन द सीरियल, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्पोक टू हर, एंड और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते रहिए बरान रहमत आज टीवी पे, आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। और अब आपको हमारे पाकिस्तान के होस्ट, यानी हमारी यहाँ हमने आपके तुर्की के आपको सुपरस्टार से मिलवाया, और वहाँ पाकिस्तान की सुपरस्टार आपका इंतज़ार कर रही हैं। इस ब्रेक के बाद जब आप मिलेंगे तो वहाँ रीमा जी होंगी। देखते रहिए बरान रहमत आज एंटरटेनमेंट आज न्यूज़ पर। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।